Hey guys, what is up? Yeah, this is Krish from Tripura. तो guys, मैं आप लोगों के फिर से अगर YouTube और दूसरे सोशल मीडिया से ऐसे हैं जो न्यूज़ तरह से आप लोग वीडियो कंटेंट जरूर देखना। Guys, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया PUBG बैन के रिलेटेड कि कब PUBG फिर से इंडिया पे बैक करने वाला है। तो जल्दी से अगर नहीं देखो तो जल्दी से जाके वो उस वीडियो को देख लो गाइस, इंपॉर्टेंट न्यूज है उधर, तो जल्दी से जाके देख लो। तो गाइस, अब जो पहले न्यूज आता है वो आता है रनी की तरफ से। रनी कल अपने लाइव स्ट्रीम पे लाइव स्ट्रीम पे बहुत सारे गाने अपलोड किए थे, तो इसके बाद स्ट्रीम का कुछ ये हालत हुआ। ओके गाइस, आज के लाइव स्ट्रीम में हमने बहुत गाने बजाए और मैंने एक्सपेक्ट किया था कॉपीराइट आएगा, बट इसने वीडियो ब्लॉक कर दिया, सीधा वीडियो ब्लॉक कर दिया। जो स्टोरी आता है वो था केरी की तरफ से। केरी कल अपने यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो किसी ने पूछा कि अभी तो यार पबजी चल रहा है, खेल लो, दो दिन बाद तो ऐसे भी बैन होने वाला है। इसके ऊपर केरी ने कुछ ये रिप्लाई दिया। अब जो अभी तक बैन नहीं हुआ है, प्लीज प्लीज एक बार खेल ले, गिव शाउट आउट टॉप 3 प्लेयर्स इफ यू प्ले कस्टम। नताशा भी पता नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि वो अलाउड है कि नहीं है। एंड गाइस, नाउ जो आता है वो आता है पबजी बैन के ऊपर कुछ फिर से रिएक्शन, मतलब जो बैक आने वाला है इसके ऊपर कुछ रिएक्शन। टेक्निकल ब्रिज ने एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड किया, तो उसका एक छोटा सा पार्ट देख सकते हो। दोस्तों, मैंने आपको PUBG बैन की तो खैर खबर सुनाई ही थी, और ऐसे में आप लोगों में से बहुत लोगों ने रिएक्ट किया कि यार ये तो गलत हो गया, मतलब बैन नहीं होना चाहिए था, मतलब क्या करेंगे, गेम इतना अच्छा था। तो यहां पर दोस्तों आज आपको खबर सुनाने वाला हूं कि हो सकता है कि PUBG इंडिया में वापस से आ जाए और आप सभी बड़े आराम से PUBG मोबाइल को एंजॉय कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये निकल के आता है कि यार जो PUBG है वो आखिर एक चाइनीज गेम है या नहीं है। तो आपको दोस्तों बता दूं कि जो PUBG कॉर्पोरेशन है ये बेसिकली एक साउथ कोरियन कंपनी है और गेम इसी ने डेवलप किया। तो जो आप PUBG दोस्तों अगर देखें PC पे या कंसोल पे, वो ये एक बिल्कुल कोरियन कंपनी का गेम है। लेकिन इसी गेम के मोबाइल वर्जन के लिए दोस्तों आप सभी खेलते हैं जो PUBG मोबाइल है, उसके डेवलपमेंट में टेंसेंट जो दोस्तों चाइनीज कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेट किया था PUBG कॉर्पोरेशन ने। और अभी दोस्तों जो बैन हो गया इंडिया में PUBG मोबाइल का और PUBG मोबाइल लाइट का, इसके साथ में और 116 एप्स को बैन किया गया। तो यहां पर दोस्तों अभी PUBG जो है कॉर्पोरेशन, उसने ये फैसला लिया है कि यहां पर दोस्तों जो PUBG मोबाइल की फ्रेंचाइज है इंडिया में, ये टेंसेंट गेम्स को ऑथराइज नहीं करेगा कि ये ऑपरेट कर पाए और ये जो है वो इसका हिस्सा बन पाए। तो अभी दोस्तों यहां पे टेंसेंट गेम्स को पूरी तरीके से निकालने की बात चल रही है PUBG मोबाइल के इंडिया ऑपरेशंस के लिए। देन थग ने भी यार अपनी स्टैम पे स्टोरी डाला है, जैसे आप लोग देख सकते हो और आप लोग पढ़ लेना, एक ही लाइन का है, आप लोग पढ़ सकते हो, मेरे को पता है आप लोग पढ़ सकते हो, तो पढ़ लेना। तो ये इतने दस किस वीडियो, तो आप लोग वीडियो को सलाह आप लोग मुझे समझ कर सकते हो। अगर आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज डेफिनेटली मेरी इस वीडियो को एक लाइक करना, और चैनल पे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हर दिन अपलोड करता रहता हूँ, आप लोग ये बात पता है। और कैसे अभी यार PUBG अनबैन हो रहा है, बहुत जल्दी इंडिया पे आ रहा है, तो इसके ऊपर आप लोगों के क्या ओपिनियन है वो यार मेरे को सिंपल से शेयर कर दिया मेरे कमेंट बॉक्स पे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबू जी हिंद बंद मत। और कुछ बोलना चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मतलब ओपिनियन शेयर कर सकते हो, और अपने दोस्तों भी यार शेयर करना मत भूलना।